नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अलीबाबा दास्ताने काबुल की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। 24 दिसंबर 2022 को एक्ट्रेस ने शो के सेट पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। महज 20 साल की उम्र में उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा था। वहीं इस मामले में उनके को एक्टर और एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने तुनिशा को भड़काया, जिन्हें 2.5 महीने बाद पिछले महीने ही जेल से रिहाई मिली। अब एक्टर ने तुनिशा के साथ अपनी पुरानी यादों को शेयर किया है। शिजान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तुनिशा के साथ पुरानी यादों को एक वीडियो में संजो कर शेयर किया। वीडियो में तुनिशा और शिजान को मस्ती करते देखा जा सकता है। सिर्फ पुरानी यादों को ही नहीं, बल्कि शिजान ने तुनिशा के लिए एक लंबा नोट भी लिखा जो आपका दिल छू लेगी। शिजान ने लिखा, एक परी उतरी फलक से शफक की लाली लिए, कहकशा जैसी उसकी आंखें गजब की अदाय लिए, खुद को देखा भी नहीं, खुद को पहचाना भी नहीं, तकब्बुर होता है क्या ये उसने जाना ही नहीं, हवा की तरह आई वो पर हवा कहीं ठहरती नहीं, क्या तूफान थे उसने सीने में दबाए ये बात वो किसी से कहती नहीं, थम गया तूफान अचानक अजब सी खामोशी छाई है, बिखरे कुछ टुकड़ों में हमने सिर्फ उदासी पाई है, दिल अचानक से है भारी, आंखें भी भर आई हैं, उसके हमारे दरमियां अब सदियों की तन्हाई है, शफक को लाली देके वापस फलक पे वो यूं चली गई, कहकशा में घर बनाया उसने और वही पर रह गई, फॉर माइन एंड ओनली तुन्नी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।